व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचटी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जिसको मैंने ट्रांसलेट की है, और ट्रांसलेशन में जो टाइटल आया है वो है ये कि अल्लाह का मोबाइल नंबर मिल गया। वेट फॉर नीले कबूतर रोस्ट। अच्छा, अब ऐसे सीन है कि हमें भेजा गया था ये वीडियो, तो हमने ऐड तो कर लिया लिस्ट में, लेकिन अब ट्रांसलेशन में इसका टाइटल ही आया। तो भाई देखें, जितने भी रिलीजियस फिगर्स या डीटीज़ हैं उनको लेके हम शुगल तो लगाते कोई नहीं है। हाँ, मौलवियों का अलग मसला है, या फिर अगर कोई जो मिशनरी मिशंस हैं उनका अलग, वो उनका चलो हो सकता है क्योंकि उनकी बातें होती हैं। अब ये टाइटल मुझे लग रहा है एक मौलवी साहब थे, उनका क्लिप वायरल हुआ है कि अल्लाह का मोबाइल नंबर बताओ तुम्हें, तो वो फिर लोग पूछते हैं बताओ, तो वो फिर बताते हैं 2443 4, इस तरह से। तो वो फ़र्ज़ नमाज़ों में जो फ़राइज़ होते हैं ना, उनकी डिटेल बता रहे थे। तो मुझे लगता है ये वही क्लिप है, उसको लेके मीम बनाए गए। बहरहाल दिल पे लेने की लोड है कोई नहीं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बिलो द बेल्ट हुआ तो हम वैसे ही काट देंगे। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड गो। जो भी कही है, पर ये लोग कुछ ना कुछ सनातन धर्म से लेते ही रहते हैं। ये देखिए, ये क्या कर रहे हैं अंबेडकर का परचम लगा के? भाई नारियल क्यों फोड़ रहा? ये सब सनातन धर्म में होता है, क्यों पाखंडवाद में पढ़ रहे हो? तुम लोग तो वैज्ञानिक हो भाई, क्यों भूल जाते हो? वेद के पढ़ लिया, पेज नंबर 833, मंत्र नंबर 1920, मंत्र नंबर 1920, उसमें लिखा है ईश्वर ने तुम्हें औरत बनाया, इसलिए तुम अपनी आंखें झुका कर रखा करो, अपने पैर एक दूसरे से सटा कर रखा करो, और अपने वस्त्र मत खोला करो, खुद को घूंघट में छुपा कर रखा करो। ये ऋग्वेद कह रहा है, चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता। पर ये ऋग्वेद को तमीज की बात करेगी। 833 मेरे ख्याल में उसने बताया था 833 1920, ऐसे कुछ था। दो छेद मिलेंगे। अच्छा, आइए देखते हैं मजा आएगा। क्या करने लगा है बेटा? पंप लेके घुसा है स्वागत। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। क्यों, क्या हुई? आधी रात निकल चुकी है। आपको पता है ना, हम पंचर वाले हैं। तू समझा? पंचर लगा रहा था। वो क्या हुआ ना, किसी की गाड़ी मेन हाईवे पे पंचर हो गई। मजा नहीं आ रहा। इतनी लंबी स्टोरी सुनाने के बाद अगला एपिसोड। तो सुहागरात मनाए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ हाँ हाँ, आइए ना। अरे आप आइए। मैं कहाँ? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम में क्यों? आपको भरोसा है हम पे? नहीं। ऐसी बातें करेगा तो? ये क्या है? ये पूल है जिसके अंदर पानी है। अच्छा। अब आप एक काम करिए, इसके अंदर बैठ जाइए। क्यों? क्या इसके अंदर? लेकिन क्यों? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अरे आप भूल गई क्या, हम पंचर वाले हैं, हमें ना छेद पानी में मिलता है। हमें तो मनुवादियों ने लूटा, अंग्रेजों में कहां दम था। अच्छा। और हमें आजादी बाबा साहब ने दिलाई है, बैगन देवी देवताओं में कहां दम था। ठीक है, जय भीम नमो बुद्धाय। हमें तो नीले वायरसों ने लूटा, अंग्रेजों और मुगलों में कहां दम था। अगर ये वायरस ना होते तो भारत कभी अंग्रेजों और मुगलों का गुलाम ना बना होता। क्या बात है सर, क्या बात है। फूंक मारना ये गलत है, ये हराम है हदीस। अबे लाल रुमाल है ना, ऐसी बातें करेगा ये? चाय है, इसको ठंडा करने के लिए फूंका मारेंगे तो ये गलत है।
लेकिन दम करने के लिए ऐसे करना ये सुन्नत है। अल्लाह से बात करना चाहती हो तुम लोग? ये क्लिप मैंने देखा हुआ, इसी की बात कर रहा था। अल्लाह का हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे लोगे इंशाल्लाह, लोगे इंशाल्लाह, बात करोगे, लिखो लिखो चार, लिखो चार, उसके बाद लिखो बारह, उसके बाद लिखो आठ, उसके बाद लिखो सात, उसके बाद लिखो सत्रह, ये अल्लाह का मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर ओके, वह बेसिकली नमाजों में जो रकातें होती है ना उनकी डिटेल बता रहा था, बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। मतलब फिर लोग कहते हैं मजाक करते हैं, या सीधी तरह से बता दें इतनी नमाजें होती हैं, मोबाइल नंबर कर रहा था। फिर था वो लाल रुमाल जो कि कह रहा था फूक मारना गलत है, थू 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 करके मारो, और ये क्या यार फूक फूक होती है, अब ऐसे करो या ऐसे करो। अच्छा चलो ठीक, कहाँ हो आ गए यार। फिर थे अम्बेडकर वादियों पे बहुत ज़्यादा इसमें क्लिप्स थे, और मुझे समझ नहीं आती वो इस तरह की हरकतें करते क्यों हैं। मतलब वो डायरेक्टली जो है ना वो अपने जो उनका मजहब है उस पे हिट करते हैं। मतलब ज़्यादातर अम्बेडकर वादी जो है वो सनातनी ही हैं, या उनका ताल्लुक सनातन घराने से, और ये जो अम्बेडकर वादी हैं ये डायरेक्ट हिट करते हैं। पता नहीं इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है या समझाने वाला नहीं है कि तुम अपने अकायद को प्रमोट करने के लिए दूसरे पे हिट कैसे कर सकते हो, ये इस पे एक्शन होना चाहिए। फिर पंचर वाला था कि पानी में ही मिलेगा, बेटा तुम्हें लड़की किसने दे दी, मैं तो इस पे हैरान हूँ। और फिर मौलाना थे जो कह रहे थे कि पेज नंबर 833 और मंत्र नंबर 16-17 था शायद, ऐसे कुछ था। तो अगर सही बता रहा था तो बुक का नेम और ऐसे कैमरे पे करके दिखा देता राधा देन के बहस करता। कोई अब जाहिर सी बात है जिसने पढ़ी भी हो वही इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।